Now, the next disorder is brief psychotic disorder, and its diagnostic criteria is presence of one or more of the following symptoms. लेकिन उनमें से जो पहली कम से कम एक सिम्टम जो है वो पहली थ्री सिम्टम्स में से होनी चाहिए. दैट इज डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर. सो अगर आप देखें तो क्राइटेरिया वही है जो कि शिजोफ्रेनिया का एक क्राइटेरिया है. हाउएवर द डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज इन ड्यूरेशन, के इसकी ड्यूरेशन एक दिन से कम अज कम एक दिन से लेस देन वन मंथ तक होनी चाहिए. सो इफ आई गो बैक एंड सी के शिजोफ्रेनिया का क्या क्राइटेरिया था, तो ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अप टू सिक्स मंथ्स तक सिम्टम्स परसिस्ट करनी चाहिए. एंड देन शिजोफ्रेनोफार्म पे जाएं तो वो एक महीने से छः महीने तक परसिस्ट करनी चाहिए. और यहाँ अगर आप ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर से बात करते हैं तो वो एक दिन से वन मंथ तक होनी चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिम्टम्स इतनी सीरियस हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड ऑल दिस, बिकॉज दे हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन योर डेली लिविंग फंक्शनिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स की. वो उसको वो इफेक्ट कर रही होती हैं कि अगर वो एक दिन के लिए भी एग्जिस्ट कर रही हैं या मैनिफेस्ट हो रही हैं तो केयर शुड बी टेकन और दे शुड बी रिपोर्टेड फॉर डायग्नोसिस और टू द हॉस्पिटल. और इसमें ये जो कंडीशन है दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस के कोई ड्रग के इफेक्ट की वजह से तो नहीं है, किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनकी हमने अर्लियर बात की या हम आगे भी पढ़ेंगे, उनको भी रूल आउट करने की जरूरत है. इसके बाद आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस के तौर पे सामने आया है कि किसी की घर में कोई ऐसा स्ट्रेसर हो गया बहुत मेगा टाइप एंड एज अ रिएक्शन टू इट पर्सन हैज डेवलप्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड सबसाइड अगर स्ट्रेसर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता पीछे जाएगा या कम होगा. बट इट मे स्टे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्टिव साइकोसिस के तौर पर तो नहीं सामने आया. एंड अनदर स्पेसिफायर इज विद कैटाटोनिया कि आपको स्पेल आउट करने की जरूरत है, स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि कैटाटोनिया तो नहीं है उसके साथ. देन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, फॉर्मल असेसमेंट ऑन ऑल दो सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड ऑल दो पैरामीटर्स जिनकी पहले भी बात हुई कि उनके ऊपर फॉर्मल असेसमेंट करके सेवेरिटी डिटर्मिन करने की जरूरत है. लेकिन सेवेरिटी को डिटर्मिन किए बगैर भी जो इसकी डायग्नोसिस जो है वो क्वालिफाई करेगी, मीन कि आप डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट डिटर्मिनिंग सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर और ऑफ द सिम्टम्स. नाउ अनदर मेजर कैटेगरी ऑफ साइकोटिक अदर साइकोटिक डिसऑर्डर इज सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स. ये बहुत सी एक पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ मेडिसन ड्रग्स है जो कि इंटॉक्सिकेट करती हैं लोग, पीपल यूज दैम फॉर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, मीन जिसको हम नशा आवर अद्वियात कहते हैं. दे ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू इंड्यूस सिम्टम्स जो कि डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि दैट हैज़ बिकम अ सेपरेट कैटेगरी अंडर दिस साइकोटिक डिसऑर्डर्स इन DSM-5. तो ये एक मतलब बिकॉज इट हैज़ बिकम सो कॉमन कि वैन द पर्सन इज अंडर सब्सटेंस अब्यूज और इज यूजिंग इट ही मैनिफेस्ट साइकोटिक फीचर्स. सो आपकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें वो है प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट इज डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. मतलब उसको डिल्यूजन्स भी हो रहे हैं, मतलब उसकी थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब्ड है और उसकी सेंसरी परसेप्शन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एंड देर इज एन एविडेंस फ्राम द हिस्ट्री, यू हैव टू एक्चुअली कन्फर्म थ्रू हिस्ट्री और थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन. ऑफकोर्स यू विल नॉट डू इट, मे बी यू कैन आस्क यू हैव अदर टीम टू डू इट, लेकिन आप हिस्ट्री टेकिंग में भी आपको पता चल जाएगा और लेबोरेटरी फाइंडिंग के इन या हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो हैं वो किसी स्पेसिफिकली सब्सटेंस की वजह से हैं जो उसने लिया हुआ है, मतलब वो उस नशावर दवाई की वजह से है या नशावर जो भी चीज़ वो ले रहा है उसकी वजह से इसकी ये सिम्टम्स हो रही हैं. एंड सिम्टम्स इन क्राइटीरिया ए डिवेलप्ड ड्यूरिंग और सोन आफ्टर सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और विदड्रॉल और आफ्टर एक्सपोजर टू आ मेडिकेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आप ये देखें कि आया इसको जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होना शुरू हुए हैं
वो नशा करने के फौरन बाद हुए हैं या विथड्रॉल की फेज में हुए हैं। विथड्रॉल की फेज का मतलब ये है कि जब ड्रग सब्सटेंस अब्यूज या उर्फे आम में जिसको हम ड्रग एडिक्ट कहते हैं, जब उसके इलाज के लिए लेके जाया जाता है तो उसको नशा छुड़वाया जाता है। जब नशा छुड़वाया जाता है तो उसके अंदर एक सिम्टम्स पैदा होती हैं जिनको विथड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। सो ये देखना पड़ेगा कि उसको हेलुसिनेशन डिल्यूजन उस विथड्रॉल फेज में हो रहे हैं या आफ्टर एक्सपोजर टू अ सर्टन मेडिकेशन। ये भी है कि आपकी एक तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं जिनको नशावर अद्वियात होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसन्स भी हैं जिनकी वजह से हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो सकते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिलेट इट टू इधर द सब्सटेंस और अ मेडिकेशन। देन द इन्वॉल्व सब्सटेंस एंड मेडिकेशन, ये भी बड़ा जरूरी है कि उसकी उसकी जो कैपेबिलिटी है, मतलब दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन एक्चुअली इंड्यूस क्राइटेरियन ए सिम्टम्स, कि उसकी वजह से डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हेलुसिनेशन और डिल्यूजन नहीं हो रहे हो सकते, तो फिर आपको सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोसिस डायग्नोज नहीं करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट टू। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अ साइकोटिक डिसऑर्डर दैट इज नॉट सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड। कि अगर सब्सटेंस और मेडिकेशन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, ईदर थ्रू प्रॉपर्टी और थ्रू लॉजिकल सीक्वेंस, तो फिर आपको डायग्नोज नहीं करना है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, या मेडिसिन जो ड्रग है उसकी अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो भी आप उसे डायग्नोज नहीं करेंगे। एंड देन द डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिलीरियम। डिलीरियम इज अ फेज जिसके अंदर पेशेंट इज प्योरली प्योरली कह लें कि बहुत ज्यादा अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग है और वो कंफ्यूज स्टेट में है। सो दी ऑल दीज फीचर्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। देन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फंक्शनिंग। कि ये जो जो सब्सटेंस लेते हैं उससे तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ ये जो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स हैं ये उनकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज, जो डिफरेंट है वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक सोशल इंट्रैक्शन है, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है या दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, उसके ऊपर इसकी इम्पेयरमेंट सीवेयर मतलब ऑब्वियसली नजर आनी चाहिए। देन यू हैव टू स्पेसिफाई इफ द ऑनसेट इज ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन। स्पेसिफाइज में ये बड़ा जरूरी है देखना कि इंटॉक्सिकेशन में नशे की हालत के वक्त ऑनसेट हुआ है इसका हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स का, या विद ऑनसेट ड्यूरिंग विदड्रॉल हुआ है। जैसे हमने पहले बात की कि आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेज में ऑफ सब्सटेंस अब्यूज की किस फेज के अंदर ये हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स होना शुरू हुए। सो स्पेसिफायर में एक चीज ये है कि आया नशे की हालत में है उस वक्त हुए, दूसरा आया विदड्रॉल फेज में है जब उससे ड्रग नहीं मिल रही, और जब वो ड्रग नहीं मिल रही तो उसकी वजह से बॉडी क्रैम्प्स और बहुत से सिम्टम्स हैं जो कि विद्रॉल सिम्टम्स की सूरत में आती हैं, या उस फेज के दौरान तो नहीं उसको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स हो रहे। यू ऑल्सो हैव टू लुक एट स्पेसिफाई करंट सिवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर और द सिम्टम्स। ऑफ कोर्स वो आप सिम्टम्स सिवेरिटी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स की देख रहे होंगे कि कितनी है, और दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू क्लिनिशियन रिलेटेड डायमेंशन ऑफ साइकोटिक सिम्टम सिवेरिटी। और ये इसके लिए फॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर है जिसके ऊपर आप देखते हैं कि सिम्टम्स का लेवल कहाँ तक है, डिल्यूजन्स बहुत ज़्यादा सवेर हैं, हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा सवेर है, या माइल्डर फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या मॉडरेट लेवल के ऊपर मैनिफेस्ट हो रहे हैं।